संस्थापक प्रमुख अखिल भारतीय आदिवासी सेना एट प्लेस महाराष्ट्र। आप भीड़ इकट्ठा करके आए हो संसद मार्ग पर, ये कहाँ के लोग हैं? महाराष्ट्र के लोग हैं, गुजरात के भी हैं। गुजरात और महाराष्ट्र के जी, तो इनकी क्या मांग है सरकार से? इनकी मांग ये है कि जहाँ के आदिवासी दलित आगास वर्ग पिछड़े समाज के जो लोग हैं, इन्हें सही तरीके से गवर्नमेंट आज भी कोई फैसिलिटी दे नहीं पा रही। जो आदिवासियों का आरक्षण है, उस आरक्षण को आबादित रखते हुए जिन लोगों ने आरक्षण की मांग की, उनको आरक्षण देना चाहिए। और आज के दिन में आदिवासी पिछड़े समाज के जो किसान हैं, जो भूमिहीन हैं, जो जंगल की जमीन आज करते हैं, उनके नाम होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो महिला के बारे में देश सुरक्षित नहीं है, महिला के बारे में जो अत्याचार होते हैं वो घृणित अत्याचार है, इसमें शासन ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। क्या आज़ादी के बाद भी क्या महिलाओं को मतलब सुरक्षा नहीं मिल रही है क्या? बिल्कुल नहीं है। जो बच्चे स्कूल में चलते हैं उनके लिए भी वो मुश्किलें पैदा हो रही है। हर माँ बाप को अपना बच्चा या लड़की स्कूल में भेजने के लिए चिंता होती है। दूसरी बात ये है कि ये देश का संविधान जो सबसे बड़ा है, विश्व में सबसे बड़ी भारत के संविधान की बहुत बड़ी घटना है। इस संविधान के जरिए से हम सब लोग इकट्ठा है आज, लेकिन इस संविधान का कुछ लोग जानबूझकर अवमान करना चाहते, अपमान करना चाहते, संविधान के बारे में फेरबदल करना चाहते, ये बात देश के लिए भविष्य में घातक हो सकती है। तो आज हम ये चाहते हैं कि संविधान जिस तरीके से देश में हो रहा है, ये संविधान को इस संविधान के हिसाब से ही राजनीति या देश का कारोबार होना चाहिए। आपके बैनर पे संविधान बसाओ देश बसाओ, तो मतलब ये क्या बना? हम ये चाहते हैं अगर हमारा संविधान आज देश में सही रहेगा तो हम आबाद रहेंगे। तो इसका जो जन जागृति है हर स्टेट में हम करते रहे। महाराष्ट्र से इसका प्रारंभ हुआ है, अभी इसका जो समारोह है इस साल का हम उत्तर प्रदेश में बनारस में करने वाले हैं। संविधान कैसे सुरक्षित नहीं है? संविधान की इन लोगों की जिसकी सरकार बन रही वो संविधान की जो आज संविधान है, इसलिए हमें आदिवासियों को दलितों को बढ़ावा मिल रहा है, जीने का हक मिल रहा है। हम लोग संविधान के जरिए से आम देश में खुले रह सकते हैं। जो छुआछूत का राजकारण है, छुआछूत की जो बात होती है, जात पात की जो बात होती है, हर जात जमात में जो दंगल होती है, फसाद होती है, इसको कंट्रोल करने में हमारी संविधान बहुत ज़रूरी है। संविधान के जरिए से ही हमारा देश अहिंसावादी है आज के दिन में, इसलिए हमने रिफरेंस दिया है संविधान को। अगर हम संविधान की जानकारी हर इंसान को नहीं दे पाए, संविधान का मकसद नहीं आप समझ पाए, तो भविष्य में हमारा देश अलग ट्रैक पे चलेगा और ये नहीं होना चाहिए।